चलेगी। फॉर्म को नाम देना होगा? देना होगा। कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। आपको उनका हक देना होगा? देना होगा। फॉर्म में नाम देना होगा? देना होगा। सोनारडी के भागा बस्ती के विस्थापितों का ओरिएंटल आउटसोर्सिंग का उत्पादन किया गया ठप। करीब 2 घंटे बाद ओरिएंटल आउटसोर्सिंग पेज का उत्पादन ठप किया गया। विस्थापितों का कहना है कि कंपनी प्रबंधक काफ़ी दिनों से हम लोग विस्थापितों का बी फॉर्म में नाम दर्ज कराने के लिए कहा जा रहा है, मगर आउटसोर्सिंग प्रबंधक काफ़ी दिनों से टाल मटोल कर रही है। विस्थापितों के द्वारा कंपनी को लिखित सूचना देते हुए कंपनी का चक्का जाम कर दिया गया। सूचना पाकर बरोरा थाना सोनारडी ओपी के पुलिस मौके पर पहुंची। सोनारडी ओपी प्रभारी नीरज झा ने विस्थापितों की समस्या को सुना और आउटसोर्सिंग कंपनी के वीर सिंह, ब्लॉक 4 के प्रोजेक्ट ऑफिसर के सिन्हा की मौजूदगी में वार्ता हुई। सोनारडी नीरज झा ने विस्थापितों को समझा बुझाकर शांत करवाया और 5 अप्रैल को गोविंदपुर जीएम व कंपनी के जीएम के साथ वार्ता की जाएगी। आवेदन दिया गया था कि इतने तारीख को 1 तारीख को बंदी रखी जाएगी। यहाँ पे फोर्स और सभी लोग मैनेजमेंट वाले पहुँचे हैं और इस बात की निर्णय की गई है कि 5 तारीख को 11 बजे जीएम और सब लोगों के बीच बैठक होगी। उसके बाद जिस तरह का समस्या है इनका उनका समाधान निकाला जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। इस बार भी यदि पूरी नहीं होती है कास्ट पास अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। अनिश्चितकालीन इसके लिए हम लोग को अगर जेल जाना पड़े तो जाएंगे और इस चीज़ हम लोग 15 दिन पहले अवगत करा चुके हैं। यहाँ तक कि हम लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीसी साहब, सांसद, विधायक, सीओ, बीडीओ, हम लोग सारे आदमी को हम लोग प्रतिनिधि सूचना कर दिए हैं। इस बीच में अगर हम लोग पर अप्रिय घटना अगर घटती है किसी प्रकार की तो सारा जवाबदेही प्रबंधन की होगी, बीसीएल प्रबंधक और आपके आउटसोर्सिंग प्रबंधक की होगी। आप लोग कहाँ का विस्थापित हैं? ये सोनारडी भागा बस्ती की। धन्यवाद। ये भागावस्ती का जो विस्थापित लोग का मांग है, करीब 10-15 लोगों को विस्थापित है। ये लोग का मुख्य मांग है कि बी फॉर्म ने कुछ दिन पहले भी ये लोग बंदी किए थे। आपकी कंपनी के जीएम के द्वारा ये लोग को आश्वासन मिला गया था कि कुछ दिन के बाद ये लोग को बी फॉर्म में नाम चढ़ा दिया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है विस्थापितों के द्वारा? लोगों का मामला ज़मीन को लेके ज़्यादा इशू है और उसके तहत जो इनका डिमांड है, जीएम साहब से इसके विषय में वार्ता हुआ था और उसके तहत वेजेज वगैरह देने की बात हुआ था, लेकिन अभी वहाँ से कुछ ये नहीं हुआ। और हम लोगों को जो माइंस चलाना है, 6 मशीन 7 मशीन चलाना है, जिसमें से अभी 2-3 मशीन चल रहा है और एक्सप्लोसिव भी कम आने की वजह से ब्लास्टिंग वगैरह बहुत कम हो रहा है, तो खदान पूरी तरीके से चल नहीं पा रहा। तो हम लोगों ने अपने तरफ से कह दिया था कि भाई जो भी है आप लोगों की मांग है, वार्ता है, बीसीसीएल के साथ बैठ के उसको सॉर्ट आउट करिए। तो बीसीसीएल इन लोगों को बी फॉर्म में थोड़ी नहीं देगी, कंपनी ना देगी सरकार? नहीं नहीं, हम लोग एक्चुअली काम जो हम लोगों का है वो बीसीसीएल के तहत ही करते हैं। हम लोग कोई अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से नहीं करते हैं, तो उन्हीं को देखना है कैसे क्या करना है। ठीक है, धन्यवाद।